नेक्स्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं प्लेन की, इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे कि एक लाइन यदि 2D में है, एक्स वाई प्लेन को इंटरसेप्ट कर रही है, एक्स को एक्स पे इंटरसेप्ट बनाती है ए, वाई पे इंटरसेप्ट बनाती है बी, उसकी क्वेश्चन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कोई भी एक एक्स वाई एक्सिस थी, जैसे स्ट्रेट लाइन के केस में क्या था, और ऐसी कोई लाइन थी जिस पर ये इंटरसेप्ट था ए और ये इंटरसेप्ट था बी, तो लाइन की इक्वेशन थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए और बी जैसा साइन होगा उस हिसाब से डालना पड़ता था। अभी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ए और बी पॉजिटिव है। अगर लाइन मान लीजिए इस तरह होती, इस तरफ होती, तो ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाती, बी की वैल्यू पॉजिटिव रहती, तो उस हिसाब से डालना पड़ता। ये स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ रखा है। प्लेन के लिए क्या होता है, अगर कोई प्लेन इस तरह का है कि वो तीनों एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है, मान लीजिए मैं इंटरसेप्ट पहले वो बना देता हूँ एक्सिस, ये मान लीजिए तीन एक्सिस है, अपनी तरफ वाली को मैं एक्स बोलता हूँ, इसको वाई बोलता हूँ, ऊपर बोलता हूँ जेड, ये जनरली मैं स्टैंडर्ड कन्वेंशन लेता हूँ, एक्स अपनी तरफ लेता हूँ। कोई प्लेन इस तरह कट रहा है जिससे कि वो एक्स पे एक इंटरसेप्ट बना रहा है, वाई पे एक इंटरसेप्ट बना रहा है और जेड पे एक इंटरसेप्ट बना रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं एक प्लेन ऐसा, एक प्लेन इस तरह का होगा जो कि तीनों पे एक इंटरसेप्ट बना रहा होगा, ठीक है, उस प्लेन का एक हिस्सा कुछ इस तरीके का दिखेगा। मान लीजिए प्लेन का एक हिस्सा है जो इस तरह कट रहा होगा और वो इस तरह से इंटरसेप्ट बना रहा होगा, तो हमने मान लिया कि एक्स पे इंटरसेप्ट बना ए, कहने का मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, क्योंकि ये पॉइंट किस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, इसको मैं बोलता हूँ लेट से कैपिटल ए पॉइंट है ये, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बना है उसको बोलता हूँ लेट से बी, बी पॉइंट है ये, और ये कौन सा पॉइंट होगा, जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो, कहने का मतलब ये दूरी मेरी जो है OB जो दूरी है वो बी है, OA दूरी कितनी है ए, OB दूरी है मेरी बी, और ऐसी मान लेते प्लेन पे जो जेड इंटरसेप्ट है सी वो हो गया जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी, यानी कहने का मतलब है जो OC इंटरसेप्ट है मेरा वो है सी, यानी प्लेन इस तरह कट रहा है, एक प्लेन एक्स इस एक्स वाई जेड प्लेन को इस तरह काट रहा है, OA जो कट रही है वो है ए, OB है बी, OC है सी, तो ये इंटरसेप्ट हो गए ए बी सी। इस केस में देखते हैं प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, अब प्लेन में चौकोर बनाता तो आपको दिखता नहीं एक्चुअली, इसलिए मैंने ये थोड़ा तिकोना टाइप दिखाया है ये प्लेन ही है, जैसा प्लेन होता है सीधा वैसा प्लेन है ये, तो मान लेते हैं यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी जेड प्लस कैपिटल डी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इस प्लेन की इक्वेशन में कैपिटल डी की इक्वेशन कब जीरो होगी, कैपिटल डी की वैल्यू कब जीरो होगी, कैपिटल डी की वैल्यू तभी जीरो होगी यदि उस प्लेन पे एक ऑरिजिन आता होगा, यदि वो प्लेन ऑरिजिन से होकर गुजरता होगा तो क्या हो जाएगा, बाकी सारी चीजें जीरो हो जाएंगी, तो डी की वैल्यू भी जीरो आएगी। अगर प्लेन ऑरिजिन से होकर नहीं गुजरता है तो उस केस में डी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, डी तो आएगा ही आएगा, हाँ अगर ऑरिजिन से होकर गुजरेगा तो इंटरसेप्ट ही नहीं बनेगा, सारे इंटरसेप्ट जीरो हो जाएंगे एक्चुअली। तो मैं बस डी पर डिस्कस कर रहा था, डी जनरली यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है, इस केस में जो डी मैंने माना है वो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि प्लेन ऑरिजिन से होकर नहीं गुजर रहा है, क्योंकि मैंने इंटरसेप्ट माने ना एबीसी, इसलिए डी नॉट इक्वल टू जीरो लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो अगर आप सवाल में डी नॉट इक्वल टू देना उसको जीरो देखें तो उसका मतलब समझ जाना कि वो प्लेन ऑरिजिन से होकर नहीं गुजर रहा है। तो मुझे ये सॉल्व करनी है इक्वेशन, मेरे को इनके जो पैरामीटर्स मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी पैरामीटर्स हैं इनकी टर्म्स में मुझे इक्वेशन निकालनी है, जैसे कि मैं स्ट्रेट लाइन केस में ये निकालता था वैसे मुझे यहाँ पे निकालनी है प्लेन केस। तो देखिए, क्योंकि ये प्लेन जो मैंने माना हुआ है यहाँ पे चार पैरामीटर्स हैं, ये भी वेरिएबल है ए बी सी डी, चार वेरिएबल हैं इसमें, मैं इन वेरिएबल को एलिमिनेट करता हूँ, मेरे पास के लिए कंडीशंस भी हैं, क्योंकि ये प्लेन ए से गुजरता है, ए पॉइंट क्या है स्मॉल ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, तो इसको पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा ए टाइम्स ए प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, यानी कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी अपॉन ए, मानते हैं आप आ जाएगी। इसी तरीके से इस इक्वेशन पर ये भी सेटिस्फाई करेगा बी पॉइंट, उससे क्या आएगा जीरो प्लस बी टाइम्स बी प्लस जीरो प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, मैं ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कराया मैंने, एक्स की जगह डाल दिया जीरो, वाई की जगह डाल दिया बी, जेड की जगह डाल दिया जीरो, इससे मेरे पास क्या आ गया कैपिटल बी की वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन स्मॉल बी। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं
जब मैं सी पॉइंट सेटिस्फाई कराऊंगा तो कैपिटल सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस डी अपॉन स्मॉल सी, ये कैपिटल सी की वैल्यू है। तो यहां से मेरे पास कैपिटल ए की वैल्यू आ गई, कैपिटल बी की वैल्यू आ गई, कैपिटल सी की वैल्यू आ गई। इन तीनों को मैं इक्वेशन में डाल देता हूं, यानी मेरी इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स था ना, ए की जगह आ जाएगा माइनस डी अपॉन स्मॉल ए एक्स, बी की जगह आ जाएगा माइनस डी अपॉन स्मॉल बी वाई, सी की जगह आ जाएगा माइनस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल सी इंटू जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। माइनस वाई जीरो का मैं एक तरफ ले जाता हूं, ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन ए प्लस डी वाई अपॉन बी प्लस डी जेड अपॉन सी इज इक्वल टू डी। अब आप दोनों तरफ डी ले कॉमन लेके काट दीजिए तो बन जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, क्योंकि डी नॉट इक्वल टू जीरो तो काट सकते हैं, प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन। ये मेरी इक्वेशन आ गई प्लेन की, जैसी लाइन के लिए आई थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, यहाँ पे एक पैरामीटर और बढ़ जाता है बिकॉज लाइन इन टू डी इज सेम एज प्लेन इन थ्री डी। ठीक है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन, ये प्लेन की इक्वेशन है जिसके इंटरसेप्ट हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ये इक्वेशन होगी। एग्जाम्पल करते हैं एक, फाइंड दी इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। इसको जरा रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपको दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5, दोनों साइड यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा बनाना चाह रहा हूँ। ये बन जाएगा x अपॉन 5 अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 5 प्लस जेड अपॉन माइनस 5। अब ये मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा बन गया, तो मेरा x इंटरसेप्ट होगा 5 अपॉन 2, y इंटरसेप्ट होगा 5 और z इंटरसेप्ट होगा माइनस 5। यानी किन पॉइंट्स से गुजरती होगी लाइन, 5 बाय 2 कॉमा 0 कॉमा 0 से, x एक्सिस पे यहां मिलती होगी, ठीक है, y एक्सिस पे कहां मिलती होगी 0 कॉमा 5 कॉमा 0 पे, और z एक्सिस पे कहां मिलती होगी 0 कॉमा 0 कॉमा माइनस 5 पे मिलती होगी। ये प्लेन जो है x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को यहां इन तीन पॉइंट्स पे मिलता होगा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स। इसके लिए आपको हर बात सोचना है जरा कि यदि दो प्लेन है, मान लीजिए ये मान लीजिए एक लाइन है, एक प्लेन कुछ ऐसा है, ये एक प्लेन P1 है, ठीक है, और एक प्लेन मान लीजिए कुछ ऐसा है, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, दो प्लेन जब मिलते हैं तो कहाँ कैसे क्या होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट होती है एक लाइन, ठीक है, यानी ये पूरी जो लाइन है ये आप देख रहे हो, जो ये लाइन इसमें भी आ रही है प्लेन में P1 में, और ये प्लेन P2 में भी आ रही है। अब इस लाइन से गुजरने वाला एक और प्लेन हो सकता है, तीसरा प्लेन हो सकता है इस लाइन से गुजरने वाला, इसकी जो इक्वेशन होगी मान लीजिए P3 प्लेन है, तो P3 को मैं लिख सकता हूँ, P3 होगा, P3 की जो इक्वेशन होगी वो होगी P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन होगी P3 की, P1 प्लस लैम्डा P2। ये आपको सोचना है ऐसा क्यों होगा, कहने का मतलब है P1 यदि इक्वेशन है, P1 का मतलब है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इज इक्वल टू जीरो, और P2 का मतलब है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इज इक्वल टू जीरो। P1 प्लस लैम्डा P2 का मतलब है, P1 की इक्वेशन लिखो आप, P1 की इक्वेशन क्या होगी, ये वाली, यही तो है P1 इज इक्वल टू जीरो, और ये जो चीज लिखी है मैंने, ये है मेरी P2 इज इक्वल टू जीरो, ये जो टर्म है ना लेफ्ट हैंड साइड में वो है P2 और ये लेफ्ट हैंड टाइम टर्म है वो P1 है। तो अगर मैं लिखूंगा P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आपको ऊपर भरना है ये वाली चीज, P1 है ये P2 है, तो इसको आप भर देंगे तो ये जो आपका इक्वेशन आता है कुल मिला के P1 प्लस लैम्डा P2, ये ऐसे किसी भी तीसरे प्लेन का इक्वेशन होगा जो कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला होगा, यानी दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला तीसरा प्लेन कोई भी होगा उसकी इक्वेशन में ये लिख सकता हूं, और हर अलग अलग लैम्डा के लिए
अलग अलग प्लेन होंगे, क्योंकि इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले इन्फाइनाइट प्लेन हो सकते हैं और P3 जैसे और खूब सारे इन्फाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, तो वो उन इन्फाइनाइट लैम्डा की वैल्यूज के लिए अलग अलग प्लेन आएंगे, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है, और ये P1 प्लस लैम्डा P2 क्यों किया ये आपको घर पर सोचना है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन में फैमिली ऑफ लाइन पढ़ा हो तो फैमिली ऑफ लाइन में यही पढ़ते थे हम कि दो लाइन है, एक लाइन L1 है एक लाइन L2 है, इसकी इक्वेशन L1 इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन L2 इक्वल टू 0, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली जो तीसरी लाइन होगी उसकी इक्वेशन होती है L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। तो जैसा लाइन इन 2D सेम एज प्लेन इन 3D, उसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए आपको ये बता रहा हूं कि प्लेन के केस में होगा। आप लाइन के केस में भी सोचिएगा, आप लाइन के केस में भी सोचिएगा कि L1 प्लस लैम्डा L2 क्यों हो जाती है, अब यहां पे P1 प्लस लैम्डा P2 क्यों हो रही है। ठीक है, अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग प्लेन आएंगे, तो ये आप सोचिए, इस पर फिर आगे अगली क्लास में सवाल करेंगे। थैंक यू।